हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम सौंदर्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3 को देखेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो सभी फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक, वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। सबसे पहला क्वेश्चन है, कला क्या है? ऑप्शन ए है प्रकृति का चित्रण, ऑप्शन बी है भावों का चित्रण, ऑप्शन सी है प्राणियों का चित्रण, ऑप्शन डी है कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। तो कला जो होती है वो कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण ही होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी रस्किन। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन रस्किन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी रस निष्पत्ति। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का जो वास्तविक एवं विकसित रूप है वो काव्य शास्त्र में ही दिखाई देता है, और सौंदर्य को ही रस के रूप में देखा जाता है। तो सौंदर्य क्या है? रस निष्पत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी में है प्लेटो, ऑप्शन सी रस्किन, ऑप्शन डी क्रोचे। तो मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, ऐसा किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन सी रस्किन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? ऑप्शन ए अनुकृति, ऑप्शन बी प्रमाण, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी प्रकृति। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए अनुकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? ऑप्शन ए सांतायना, ऑप्शन बी अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी भरत, ऑप्शन डी भट्टनायक। तो अभिनव गुप्त, भरत और भट्टनायक, ये तीनों सौंदर्य शास्त्री भारतीय हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए सांतायना जो है इसमें से भारतीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया है? ऑप्शन ए अति यथार्थवादी, ऑप्शन बी प्रभाववादी, ऑप्शन सी घनवादी चित्र, ऑप्शन डी यथार्थवादी चित्र। राइट आंसर ऑप्शन ए अति यथार्थवादी। फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया है? तो अति यथार्थवादी चित्रों का विकास किया। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नवरसों के साथ वे कौन से दो रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी वात्सल्य एवं भक्ति। नवरसों के साथ जो दो रस बाद में सम्मिलित किए गए हैं वो वात्सल्य एवं भक्ति हैं, और भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में उन्होंने 8 रस बतलाया है। नौवां रस शांत रस की खोज जो किया था वो अभिनव गुप्त ने किया था, और वर्तमान में कुल 9 रस ही मुख्य रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो 9 रसों के साथ कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी वात्सल्य एवं भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए आकार, ऑप्शन बी कांति, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी सामंजस्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग मिलावड़ी योजना से जो तात्पर्य है वो कांति से है। रूप गोस्वामी ने मोती की तरलता की भांति अंगों को शोभित करने वाले गुण को ही लावण्य कला कहा है, लावण्य कहा है। तो जो इसका तात्पर्य होगा लावण्य योजना का वो कांति यानी कि चमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव गुप्त द्वारा नौवां रस कौन सा है? अभिनव गुप्त ने जिस रस की खोज की थी नौवें रस की वो शांत रस है। राइट आंसर ऑप्शन बी, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दार्शनिक ने सौंदर्य के बारे में कहा है केवल कला सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है? राइट आंसर ऑप्शन ए, हीगल। हीगल ने ऐसा कहा है कि कला सही अर्थों में सौंदर्य की अभिव्यंजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए में है वाण भट्ट, ऑप्शन बी लोल भट्ट, ऑप्शन सी भरत मुनि, ऑप्शन सी वात्स्यायन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी भरत मुनि। यह उक्ति किसकी है? भरत मुनि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे संबंधित है? कुछ कथन है और पूछा गया है यह किससे संबंधित है। सहज ज्ञान, युक्ति या विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान है जो सौंदर्य या कलात्मक तथ्य है, लेकिन सौंदर्य वहाँ एक है, तो यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है कैरेट ई एफ, बी में है कांट, ऑप्शन सी है क्रोचे, ऑप्शन डी है प्लेटो। राइट आंसर ऑप्शन सी क्रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी कुछ कथन दिए हुए हैं, सही चुनना है उनमें से, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है ए में क्रोचे ने कहा कि कला सत्य की अनुकृति है। क्रोचे ने कहा है कि कला सत्य की अनुकृति है। फिर बी में दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है मानव कला के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है। सी है आरजी कॉलिंगवुड के अनुसार कला संवेग के सिद्धांत पर आधारित है। डी है बैरोन ई ली ने कहा है सुंदर अभिव्यक्ति है प्रभाव की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मानव कला के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये उनका कथन है और ये बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, सही चुनिए। ऑप्शन ए है बामगार्टन ए क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ऑप्शन बी है प्लेटो एस्थेटिक्स, ऑप्शन सी है रोजर फ्राई विजन एंड डिज़ाइन, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर तत्व मीमांसा। तो यहाँ पे कुछ पुस्तक और उनके लेखक दिए गए हैं, इनमें से जो राइट है आंसर उसको आपको चुनना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी रोजर फ्राई विजन एंड डिज़ाइन। साथ ही कुछ और पुस्तक के आपको बता देते हैं, अ क्रिटिक ऑफ जजमेंट पुस्तक के लेखक हैं कांट इमैनुअल, एम्बेस्टिक्स पुस्तक के लेखक हैं बामगार्टन, फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट पुस्तक के लेखक हैं क्रोचे, फिलॉसफी इन अ न्यू की पुस्तक के लेखक हैं सूजैन लेगर, द स्टोरी ऑफ आर्ट पुस्तक लिखी थी गोम्ब्रिज ने, और पोरफायरी ग्रंथ के लेखक हैं लोजाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित, सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए सामंजस्य, ऑप्शन बी संतुलन, ऑप्शन सी सिंक्रेटिक, ऑप्शन डी है सौंदर्य शास्त्र। राइट आंसर ऑप्शन डी सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का जो समूह है वो सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय डैश संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे। ऑप्शन ए भरत, ऑप्शन बी अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी त्यागराजा, ऑप्शन डी कालिदास। राइट आंसर ऑप्शन ए भरत। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय भरत मुनि को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन दिया हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी पूरी डिजाइन में उन्हीं या समान प्रकार के तत्वों के लिए तर्क है। कुछ डिजाइन तत्वों को दोहराने से एकता और संबद्धता की भावना आती है। चलिए तर्क भी देख लेते हैं। इस सिद्धांत में कहा गया है कि संबंधित मदें समूहबद्ध की जाएं ताकि कभी भी उन्हें अनेक असंबद्ध तत्वों के रूप में ना समझा जाए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिसेल्डा पुलोक में निम्न में से किसकी रचना थी? ऑप्शन ए है विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द हिस्टरीज ऑफ आर्ट। ऑप्शन बी है द स्टोरी ऑफ आर्ट। ऑप्शन सी है मीनिंग इन द विजुअल आर्ट। डी है विजन एंड डिजाइन। राइट आंसर ऑप्शन ए। ग्रिसेल्डा पुलोक में जो रचना की थी वो है विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द हिस्टरीज ऑफ आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी हेगल, ऑप्शन सी कांट, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। राइट आंसर ऑप्शन बी हेगल महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे? ऑप्शन ए भट्टलोलक, ऑप्शन बी अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी भरत, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के जो प्रथम दार्शनिक थे, राइट आंसर ऑप्शन सी भरत मुनि थे। और नाट्यशास्त्र में ही भरत मुनि ने अपने रस सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे? ऑप्शन ए है चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन बी है चार्ल्स फैब्री, ऑप्शन सी है निकोलस रोरिक, ऑप्शन डी है फेरिक कांजिंस्की। राइट आंसर ऑप्शन डी फेरिक कांजिंस्की। हंगेरियन आर्ट क्रिटिक कौन थे? फेरिक कांजिंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक, यानी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है, लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी प्रोफेसर कॉलिंगवुड, ऑप्शन सी हुसैन, ऑप्शन डी कांट। राइट आंसर ऑप्शन बी प्रोफेसर कॉलिंगवुड। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर कॉलिंगवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता हैं? ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी हेगेल, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी अरिस्टॉटल। राइट आंसर ऑप्शन डी अरिस्टॉटल। अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता कौन है? अरिस्टॉटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उद्दात्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए अरिस्टॉटल ने, ऑप्शन बी लोजाइनस ने, ऑप्शन सी हेगेल ने, ऑप्शन डी क्रोचे ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदात का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो लोजाइनस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, है फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया? अति यथार्थवादी, प्रभाववादी चित्र, घनवादी चित्र या यथार्थवादी चित्र। राइट आंसर ऑप्शन ए अति यथार्थवादी चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है? ऑप्शन ए भट्टलोलक ने, ऑप्शन बी श्री शंकुक ने, ऑप्शन सी है अभिनव गुप्त ने, ऑप्शन डी भट्टनायक ने। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी अभिनव गुप्त ने। सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात अभिनव गुप्त ने की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ऑप्शन ए हेगेल ने, ऑप्शन बी क्रोचे ने, ऑप्शन सी बॉमगार्टन ने, ऑप्शन डी है थॉमस एक्विनास ने। राइट आंसर ऑप्शन बी क्रोचे ने, सहजानुभूति का सिद्धांत क्रोचे ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी बॉमगार्टन ने, ऑप्शन सी हेगेल ने, ऑप्शन डी टॉलस्टॉय ने। तो एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बॉमगार्टन ने किया था, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत किसका है, ऑप्शन ए भट्टनायक, ऑप्शन बी भट्टलोलक का, ऑप्शन सी श्री शंकुक का, ऑप्शन डी है विश्वनाथ का। राइट आंसर ऑप्शन ए भट्टनायक का, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत भट्टनायक का है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करें जो भी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे उनको भी हेल्प मिल सकेगी। और जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको धन्यवाद, और जिन्होंने अब तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब वो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो के लिंक दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से अपने वीडियो को देख के अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।